ਇਹ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕੈਸਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਖੇ 1848 ਕੀ ਲੜਾਈ ਈਦਗਾਹ ਪਰ ਲੜਾਈ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਵੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੰਗਰੈਟਸ ਫਾਰ ਨਿਊ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਊਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜੇ 6 ਮਰਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ कबूतर बहुत ज्यादा कबूतर है और नीचे मेट्रो वगैरह उनके नीचे रात को रहते हैं और जो फ्लाईओवर्स वगैरह उनके नीचे सऊदी अरब में इतने ज्यादा कबूतर होने मक्का तो मदीना जिले से है होने से इतने ज्यादा ये भी आसा आज पहली दफा पूछा है बल्कि पूछा गया तक्की गिना है अपनी अखा ना जाए सो इस टाइम मौजूद है जी आसा घंटाघर बैक साइड पर चेक कर सकते हो घंटाघर जरा मुल्ताना मेन चौक आ और आज नहीं क्या रूटीन है आज कुछ कुछ रूटीन आया आज इंशाल्लाह हम जाएंगे शाहरुख ने आलम दरबार पे बहाउद्दीन जिक्रिया दरबार पे और शाह शम्स तबरेज के दरबार आज इसका मतलब आज सारी दरबार आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मुल्तान की सबसे बड़ी बड़ी दरबार है ना उनको हम एक्सप्लोर करें सही हो गया सही हो गया सारे नाल मौजूद है कैमरा मैन नहीं जारी जिम्मेदारी है फैसल साहब सर अंजाम दे रहे और सुनाओ मुल्तान पहली दफा आयो मैं फर्स्ट टाइम आया जी चले भाई ने शुक्रिया जे ऐसे विजिट करने पे ठीक है जिन्हें फिर भी यकीन नहीं इतना बड़ा व्लॉग इंशाल्लाह चले भाई ने खुद स्टार्ट आया इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्योंकि व्लॉग जो है दोनों मुख्तलिफ करने हैं और फैसल साहब अलहदा करने पर अलहदा करने हैं क्योंकि सारा क्या बराबर हो गया फिर समझ नहीं आ रही है तो फैसल साहब का पहली दफा आए मैं अगर भी इच्छा रहा लेकिन मैं जदू भी अचना रहा शादे भाई इतफाक नाल मैं राती अचना रहा तुसे पता सी है जी बिल्कुल तुसे न्यू ईयर नाइट ते एक दो दफा आए या उस टाइम असा आए से राती आए से सह जगह पर खली था मैं तो मास्टर ड्रोन डरिया सा पहले ड्रोन डरन नहीं दे रहे से लेकिन जिस तरह आजाद कश्मीर ना किया था अल्लाह की कसम उन्हें ड्रोन असा डरन दिता वैसे आने से कौन ज्यादा था तुम इतने दूर तू आयो तुम ड्रोन डरन दसाया सो अज जी तैयार ना विजिट है सारा कुछ जगह दरबारा ही तुम चेक कराने इस रिव्यू ना निका आई सारा कुछ नाल नाल पास आया इस बारे जिन्हें भैन अपना सारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके नाल गंडी ने बटन की दबाई के नीचे एरिया है इस चीज क्या ये दमदमा है जिधर हम खड़े हैं ये दमदमा इसे कहते हैं ठीक है इतना मैं नीचे अपना चाहना तो पौड़ियाँ पर आया था नीचे जरा नहीं है पहले पुरानी जो चीज़ा नहीं उन्होंने हिस्ट्री वगैरह लिखी है मुल्तान की हिस्ट्री लिखी है और जुलने मुल्तान की जी हिस्ट्री है तुम चेक कराने सबसे पहले फिर नाल शाह रुकने आलम ने दरबार है उधर जुलने हैं फिर उस बाद इतना कोई बैक साइड पर ट्रिप आया वा तो अस अंदर आई गए जी सबसे पहले तुम चेक कराने नक्शे वल नमाशी किला कहना कासम बाग मुल्तान ये पता नहीं कोई किला जैसा उसना नक्शा आया बाकी है के इधर तक ही जा फोटुआ पुरानिया इस तरह क्या रोल है इस नाल लिखा हुआ कौन या कुछ ਇਹ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕੈਸਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਖੇ 1848 ਕੀ ਲੜਾਈ ਈਦਗਾਹ ਪਰ ਲੜਾਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਈਦਗਾਹ ਚੌਕ ਹੈ ਉਧਰ ਹੈ ਈਦਗਾਹ ਪਰ ਲੜਾਈ 1948 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਐਂਡਰਸਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਐਂਗਸ ਐਂਡ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜੀ ਮੋਰੀ ਇਧਰ ਵੀ ਕਿਲਾ ਕਾ ਸ਼ਮਾਲੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਨਰਲ ਕੋਟ ਲੈਂਡ ਜਵਾਨ ਹੰਦਕ ਮੇ ਕਿਲਾ ਕੀ ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਮੰਡੀ ਆਵਾ ਆਵਾ ਪਰ ਬੋਲਾ ਬਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਮਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 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 ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਕੇ ਸ਼ੁਤਰਬਾਨ ਇਹ ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਜਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਆਏ ਸੀ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ 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 ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੰਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸੀ ਐਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਸਹਿਰ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਦੂਰ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਗਰਦੇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਕੋ ਆਪਕੇ ਅਬੂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਮੇ ਹੀ ਹੈ ਅਬੂ ਜੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਗਰਦੇਜ਼ ਸਹੀ 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 ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਚੜਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਔਰ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੋ ਇਹ ਸਬਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਲਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਦਾ ਉੱਥੇ ਜੁਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਸੋ ਸ਼ਾਜ਼ੇਬਾ ਇਸ ਘੋੜੀ ਪਰ ਨਾ ਲਗੇ ਜੁਲਾਇਆ ਕੋੜਾ ਫਿਰਨੇ ਤੁਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਢਾਓ ਬਾਹਰ
ਵਧੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਚੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਇਹ ਕਿਸ ਇਧਰੋਂ ਸੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਰ ਜੈਸੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਛੋੜੋ ਸਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਦਰਖਤਾ ਇਹ ਤਰਫ ਪਰ ਵੈਸੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ये किस की है मुल्तान को साथ अच्छा से मुल्तान मंगोलों के कब्जा के बाद शहजादा बिन सुल्तान पहले मुल्तान का नाम मुल्तान नहीं होता था मुल्तान होता था ये वाला अच्छा MULTAN पहले MOLTAN होता था मुल्तान ठीक 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 ये चेंज कब हुआ है फिर ये चेंज कोई कंफर्म नहीं है मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कौन सी है फिर प्रैंक नहीं हुआ ये वही साइकिल है शहजादे भाई वही है जी वही है उम्मीद तो वही है लेकिन अब इतना मैं कौन सी वही है बताए ना ये भी बताए ना कौन सी है ये इस साइकिल के ऊपर ये 1954 में कह रहे केटू पे गया था जो एक अंग्रेज था जो इटली से आया था अच्छा 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 ये लिखा हुआ है साथ में केटू पे इस साइकिल पे जी जी ये अभी कितने कितने की होगी ये साइकिल पता नहीं कोई अंदाजा नहीं है क्या मास्टर अदरीस के पास वही साइकिल है जो उधर है शाहरुख ने आलम पैदल चढ़ी पूरी चढ़ाई है नीचे तो कौन लाई पर बंदा चढ़ाया नीचे सो अपर सीधा चढ़ाई बंदा थक ही जाना शायद ये इतनी ऊंची जगह पर बनाई ने दरबार जी बंदा थक ही जाना था चीज़ा जी जी बिल्कुल काफ़ी ऊंची जगह पे जो है ना मुल्तान का ऊंचा सबसे जगह यही है ये वाली जी सही सही व्यू पॉइंट इसे कह सकते हैं जी बिल्कुल जैसा सारा डडियाल ना आलावर पॉइंट चलो जी पहुंची आए अंदर नीचे सबसे पहले दुआ मंगनी है दुआ घर रस्ते जासा अंदर वीडियो बना दे सर अंदर वीडियो बना ले बस फिर सही है रुकने आलम कुतबे आलम पूरे गोस इतनी ऊंची ये बाकी दरबार है ये कब्र है जी जी कब्र है सही सही नाम ना कोनी शेयर ना जो कोनी है अच्छा अच्छा सही सही शाहजे भाई मिगी गल पाओ जी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एमएनएस एमएनएस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इधर से उधर ही हो ये म्यूजिक होएगा म्यूजिक देओ बहुत बहुत बड़ा म्यूजिक है म्यूजिक पता नहीं आई क्या भाई और मन्ने पीटीआई की इमरान खान की पक्के पक्के सपोर्टर इमरान खान है नवाज शरीफ वाले जाती है अच्छा नहीं अब देखो इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है नमल यूनिवर्सिटी तो उसने अपना नाम तो नहीं रखा अब इसने नवाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी बनाई अपना नाम रख दिया तो उसने ठीक है ना तो नानी मशहूरी होनी चाहिए नानी वैल्यू होनी चाहिए पहले हमारी यूनिवर्सिटी वैल्यू उस बनाई उसी तरह से पहले हमारी यूनिवर्सिटी का नाम एमएनएस यूनिवर्सिटी था अब जो है तुसा सारी यूनिवर्सिटी वो भी यही बनता है ना सारी यूनिवर्सिटी ना पढ़ सकने पीटीआई ले उधर अपनी यूनिवर्सिटी जाओ नमल भी जाओ पौड़ी गिंदा जा थे तो अंगे तू बोले नक और चेक करो पिक्चर माशाल्लाह ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਹੋ ਜਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰਾ ਅਗੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਤੇ ਜੁਲਾ अब पीछे बहावलदीन जिक्र दरबार पे इधर पीछे ही है हां पीछे ही है। चलो जी शाहजे भाई मजाक ते चलो होना क्या हो गई सी है तुसा नहीं आसन लाइया नवाज शरीफ अली ए गल बहु ए दरबार जेडी है आपस विच एक है मतलब इन्ना ना रिश्ता आया ए जी ए दादा ने इन्ना ने बहावलदीन जिक्रिया ठीक है और शाहरुख ने आलम उन्ना दे पोते ने जेडी पहली दरबार अच्छा ए बहावलदीन जिक्रिया दादा बहावलदीन जिक्रिया जी दादा ने ठीक ठीक दा ओ फिर पोते इन्ना ने ठीक ठीक बाकी जी पहले पोते ने दरबार पर दा उन दादा जी और दरबार पर जिन्हें भी मतलब है कि बहुत दिन जक्रिया क्योंकि ये बड़ी और छोटी होने का इसका एक और भी रीज़न है कि ना एक दफ़ा ना एक औरत आई थी भावल सिंह जिक्रिया साहब के पास ठीक है कि ना मेरा बच्चा नहीं हो रहा आप ये बताएं कि होगा कि नहीं सही तो उन्होंने कहा भी तेरी जो ना तेरी किस्मत में नहीं है लड़का नहीं है तेरी किस्मत में ना तो वो रोती रोती बाहर आई तो बाहर जो है ना शाहरुख ने आलम साहब ना उस टाइम बच्चे होते थे वो खेल रहे थे ठीक है तो वो जब उन्होंने रोते हुए देखा उन्होंने कहा बुढ़िया क्या हुआ है आपको तो वो कहती है अभी आपके वो दादा साहब ने कहा है कि ना मेरा कोई लड़का नहीं है कहता तेरे तो एक नहीं तेरे तो पाँच छः सात आठ लड़के हैं सही तो वो दोबारा अंदर गई उन्होंने कहा आपका जो पोता है वो तो कह रहा है कि भाई
मेरे तो 5-6 लड़के हैं, ज़्यादा हैं बल्कि लड़के, और आप कह रहे हो मेरा एक भी नहीं है। उसने दोबारा देखा तो वो कहते हैं वो सच बोल रहा है, वो सही कह रहा है। सबसे पहले क्या दर्शन है शाहदेव साहब इधर? वो तो उधर है ना, इधर भी चेक करो। अच्छा पैसे फैसल इधर पैसे सटने हैं। वाह जी वाह, इतने भी कबूतर है, चेक कर सकने हो। अंदर जुलने हैं जी, दरबार ए आलिया। बैठो तो ब्राउ पहुंच गए हैं आसान यूनिवर्सिटी ऑफ नवाज शरीफ, आसान यूनिवर्सिटी ऑफ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ की यूनिवर्सिटी जितने मुल्तान जी बनाई है नवाज शरीफ साबरा यूनिवर्सिटी। तो शाहदेव भाई जो माड़े कदम है वो इतना पढ़ने कि सब्जेक्ट पढ़ने और क्या कुछ हिसाब किताब है? बीएस कंप्यूटर साइंस। बीएस कंप्यूटर साइंस कितने भाई रहने सेमेस्टर? बस उन्होंने एक सेमेस्टर पीछे रह गए, बाकी पास है सारे। पास क्लियर है, डिग्री आई जैसी फिर? हाँ डिग्री फिर आई जैसी। अगर अस पढ़े लिखे होते तो आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं। कितने मैं किधर रिजल्ट कार्ड भी नहीं अपना चेक किया, यकीन मन से बीए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितने तकरीबन है? 800। हाँ झूठ मारी जाओ। शाहजेब ये बूटे की हैं यूनिवर्सिटी में? बूटे की हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना तो इस वास्ते। अच्छा 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 अच्छा, मैं नहीं समझी की याद होने ना नाम भी नहीं पता सर, मैं तो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी समझी सी है इं पूरा नाम हो। एग्रीकल्चर अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर नवाज शरीफ जी बनाई है, जिस तरह आ ही सकते हो। मैं भी यहाँ मैं बूटे माल्टे खाई सकते हैं? पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के लिहाज में। अच्छा सही सही, माल्टे खाई सकते जुली प्रोग्राम सारा वर जैसी है। वेलकम शाहजेब, क्या रोल आया? पहले तो भ्राओ अंदर गए थे लेकिन उत्थे गाने शाने लगे से म्यूजिक लगा सका भी रहते जैसे तो भी नहीं मिली सकी, लेकिन माहौल अंदर वाला राती इतने फंक्शन हो सी है फिर? जी जी म्यूजिकल लाइट होगी, बड़ा मजा आएगा जबरदस्त जो है। एक केरे खुशी च होना पाया वैसे? ये वैसे ही डाइस इवेंट है, एक यूनिवर्सिटी का फंक्शन है जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा अच्छा जी, तो तुसा इसी कोई करतार कोनी है तुसा कोई सिस्टम? नहीं नहीं कोई नहीं। क्या वजह? असि हले यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं हुए ना, साडा फाइनल जो प्रोजेक्ट अगले साल हो सी। अच्छा अच्छा, तुसा फिर तुम्हारे स्टाल हमारे स्टाल भी लगेंगे इधर जो है। चलो फिर अगले साल अगर इत्था हो जाए इंशाल्लाह अस आया वापस। फैसल एक गल बा, इत्था चीज है यूनिवर्सिटी क्या चीज हासिल की थी, मतलब सीखी है क्या चीज? सले किसी के स्कूल लाइफ इज बेटर, स्कूल लाइफ टू माय बेटर। तक के 2-3 घंटे रे आया फैसल इत यूनिवर्सिटी, फैसल आना अस ठीक है उत्थे जो कुछ ठीक है बिल्कुल ठीक है। पहले तो भ्राओ फाइनली पहुंची आए अस बेकरी किच, ते वालेकुम सलाम। बेकरी जश्न ना मेन मकसद ऐसा है कि साढ़े जो शाहजेब भाई है ना ये पहले रहे ना पुराने निके मकान इन्ना फिर पिछले हाल रहे कि नवा मकान भरा, तो उसकी मुबारक भी देनी है। कल अस राती आए थे शामी टाइम कुछ गिनी ना सके, तो मैं अब शाहजेब भाई रंग आया सके उसने कारखाना आया केक और केक शेक कटसा है मुबारक दसा है कार्ड है फिर आई गए केक किन्ने वास है शाहजेब भाई की तो इतना ही मुबारक। खैर मुबारक जी, मुबारक रहे जी, मकान ठीक है माशाल्लाह जबरदस्त है। पहले जरा सा मकान वो निका सा है लेकिन ये जरा नहीं माशाल्लाह मकान जबरदस्त है इन्हें। कौन सा अच्छा रहेगा चेक करे? नोटिस पर है, नोटिस कौन सा? माशाल्लाह जी फैसल साहब, शाहजेब साहब चेक करो ठीक लिखन गया लिखिया गया कंग्रेट्स फॉर न्यू राजपूत हाउस, इन्हें नवा हाउस के अंदर से वास्ते। सही सही माशाल्लाह नाइस हो गया। हाँ जी पहले तो भ्राओ फाइनली पहुंची आए जी अस घर दिहार पूरी गुजारी है अस शाहजेब भाई उन्होंने नाल माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है मुल्तान की अस एक्सप्लोर किया, बहुत चीज़ें अस तक जो कैमरे च भी अस नाल नहीं सके क्योंकि
बाद में जो होनी ना वो चीज़ों फिर कैमरे बिच ना होनी सकनी लेकिन असं आपू तक इन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगाया। फिर आखिरकार फिर असा भी पाया कि असं फिर केह की आंदा आ सब तो पहले मामू तुम कि जरा नवा कार किया उस मुबारक हो उस सिलसिले फिर मैं आके के कटिया जाए अपने व्यूअर जो उन्होंने दसिया जाए कि माशाल्लाह मामू ने जो कौन की ना माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है फैसल साहब अगर कैमरा मैन एक कमरा थकी गया तो बाकी फिर तुम्हें बाकी पता लग जा आपू है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मकान है डबल मरला का कितने मरले बनाए जरा छे मरले पर तो पुराना जरा सा वो कितने बरसा एक दफा फिर मुबारक खास कर स्पेशल जाजेब की ठीक है।